भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय अडवाणी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता आदरणीय सुषमा जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री वेंकैया जी, भारतीय जनता पार्टी को गौरव दिलाने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी, श्रीमान रमन सिंह जी, बहन वसुंधरा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 दिन से हम विस्तार से देश की चिंता और चर्चा कर रहे हैं, राजनीति की चिंता और चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों के लिए भी सोच रहे हैं। देश आजाद होने के बाद चुनाव बहुत आए हैं, प्रारंभ से जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनता पार्टी के जमाने से हम सबको चुनाव के मैदान में कार्य करने का अनुभव है, लेकिन उन भूतकाल के सारे चुनावों को देखें तो 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, नेता विहीन हो, नीति विहीन हो और नियत भी शक के घेरे में हो, ऐसे दिवस कभी इस देश ने देखे नहीं थे जो आज हम भुगत रहे हैं। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है देश ने कभी नहीं देखा। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, भाइयों बहनों, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में
अटल जी अडवाणी जी ने भारत को जिस ऊंचाई पर लेकर के रखा था उससे और नई ऊंचाइयों पर देश को पहुंचाने का देशवासियों के सपनों का चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली की धरती पर दो प्रमुख दलों की राष्ट्रीय परिषदें हुई और अगर उसका विश्लेषण करें तो साफ नजर आता है कि दो दिन पूर्व जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 2014 के चुनाव को दल को बचाने की जद्दोजहद के रूप में दिखाई देता है। उनका दल कैसे बचे, कांग्रेस को कैसे बचाएं, बिखरती हुई पार्टी को कैसे एक रखें, ये उनकी जद्दोजहद का विषय था। भाइयों बहनों, वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। ये 2014 के चुनाव का ये मूलतः फर्क है। भाइयों बहनों, देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। बड़ी आशा और उमंग के साथ वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सौगात लेकर के जाने के लिए लालायित थे। और जैसा हमारे अरुण जेटली जी ने कहा कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापिस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के। गैस के 3 सिलेंडर लेकर के वापिस गए। भाइयों बहनों, वहां पर जो बातें हुई है कुछ बातों का जिक्र करना मुझे जरूरी लगता है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा न करने के पीछे लोकतांत्रिक परंपराओं का उदाहरण दिया गया। क्या यह सच्चाई है? मैं आशा करता था कि देश में दिन रात इन विषयों की चर्चा करने वाले लोग इस मुद्दों पर जरूर चर्चा करते, लेकिन 4 दिन बीत गए, चर्चा नहीं हो रही है। हर एक के अपने अपने कारण होंगे, लेकिन देश जानना चाहता है। देश आजाद होने के बाद जब पहले प्रधानमंत्री पसंद किए गए तब लोकतांत्रिक परंपराओं का क्या हुआ था? पूरी कांग्रेस पार्टी एक स्वर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। वो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराएं थी? कांग्रेस के हर व्यक्ति की इच्छा के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। आप परंपरा की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं 1984 31 अक्टूबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। राजीव गांधी कलकत्ता थे, वो कलकत्ते से दौड़ करके आए, अस्पताल गए और कुछ ही पलों में
राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद का शपथ समारोह हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी जो परंपराओं की चर्चा करते हैं उसे पूछना चाहता हूं, क्या 1984 के उस समय क्या कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी? क्या कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को चुना था? उसकी कोई नोट्स हैं, मिनट्स हैं, व्यवस्था है? कुछ नहीं। दो चार लोग मिलकर के हड़बड़ी में तुरंत शपथ करवा दिया गया था। और आप हमें परंपरा की सीख दे रहे हैं, इससे भी आगे 2004 यूपीए का चुनाव हुआ, यूपीए की सरकार बननी थी। भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं यूपीए वन में किसी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं था, नेता के रूप में नहीं चुना था। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था, लेकिन बाद में मैडम सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया और उनका प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था। पार्लियामेंट्री पार्टी की परंपरा की बातें ऐसी बातें करके हम बच नहीं सकते। और बहन सुषमा जी ने कहा, राजनाथ जी ने कहा, वेंकैया जी ने कहा, कल अरुण जी ने कहा था, चुनाव से भागने के उनके कई कारण हो सकते हैं, सबने अपने अपने तरीके से कहा है। लेकिन मुझे एक मानवीय कारण नजर आ रहा है। राजनीतिक कारण तो है ही है, लेकिन एक मानवीय कारण नजर आ रहा है। वो मानवीय कारण यह है, जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं मेरे बेटे को बचाओ। भाइयों बहनों, इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। भाइयों बहनों, इनका चुनाव से भाग जाने का कारण दो और भी है। एक, जिस परंपरा में वो पले बड़े हैं, जिस प्रकार से एक वरिष्ठ परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, भाइयों बहनों, जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना, तो उनकी मन की रचना भी ऐसी ही हो जाती है। सामंसाही मानसिकता घर कर लेती है और तब उनको विचार आता है,
लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं, वो कैसे लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कभी कभी परंपरागत ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, मनोमन पले हुई ऊंचतन का भाव, उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के लिए ये भी चिंता का विषय है कि हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए, जिस कुल परंपरा की सदियों से इज्जत हुआ करती थी, और सामने एक पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ू? भाइयों बहनों, राजनीति की परिघे के बाहर भी ये भी सारे कारण है। और इसलिए भाइयों बहनों, ২০১৪ का चुनाव जो हम देख रहे हैं, तब जरा कल्पना कीजिए भाइयों बहनों, हम जब गांव गांव गली गली लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, और भाइयों बहनों 27 अक्टूबर को बम धमाकों के बीच भारत मां की अपने रक्त से निर्दोष लोग पूजा अर्चना करते थे। भाइयों बहनों, उस समय जो जनसैलाब डटा हुआ था, वो दृश्य मुझे इस बात के संकेत करते हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था, वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते थे, जो आग आजादी के लिए उस समय थी, जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी, आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है, उस समय आजादी के लिए लोगों को मरने का मौका मिला, अब स्वराज्य के लिए जीवन दिया नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। देश के नौजवानों को लग रहा है कि आजादी के जंग में मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में
सुराज्य के लिए जीने का अवसर मिला है। इस चुनाव की प्रेरणा ये भावना है भाइयों बहनों, वो विजय इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और तभी तो जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर संबंध नहीं है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कभी अवसर नहीं मिला है, जो राजनीति से भी अछूता है, ऐसे लाखों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, ट्विटर पर मैसेज देते हैं, हमें काम दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। यह ललक 2014 के चुनाव की, यह ललक आजादी के जंग की जो ललक थी, स्वराज्य के आंदोलन की जो भावना थी, सुराज्य के आंदोलन की भावना 2014 के चुनाव में प्रकट हो रही है। भाइयों बहनों, देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय बीत गया, गरीबों की चिंता की बातें बहुत सुनी, विकास की बातें बहुत सुनी, जरा पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को जरा हमारी नजर के समक्ष रखें भाइयों, पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को अपने सामने रखें। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी, हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा नजर आ रहा है, विकास के धीरे से कदम क्यों न हो लेकिन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? भाइयों बहनों, मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब आप मई महीने में देश की सेवा करने का अवसर देंगे, हमारी ये पहली गारंटी रहेगी कि भारत का वो इलाका जो अभी विकास की यात्रा में बहुत पीछे हैं, हम उसे सबसे पहले आगे बढ़ाना चाहते हैं, पश्चिम की बराबरी तक तो लाए। ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो कि जिसकी एक भुजा तो मजबूत हो और दूसरी भुजा बहुत दुर्बल हो, ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारी यह सोच है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूर्वी हिस्सा, भाइयों बहनों, हम संतुलित विकास के सपन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसे संकट नहीं समझना चाहिए। पिछले दशकों में राजनेताओं ने रीजनल एस्पिरेशंस को जैसे दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा बोझ आया गया, ऐसे ही उसको देखा है। भाइयों बहनों, रीजनल एस्पिरेशंस विकास के एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं, वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है, क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के मन जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा देश एक संघीय ढांचा है और ये
संविधान की धाराओं तक सीमित नहीं हो सकता। ये संघीय ढांचा लेटर एंड स्पिरिट के रूप में हमने इसको इज्जत करनी होगी, गौरव करना होगा। और भाइयों बहनों, मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहा हूं। अब पार्टी ने मुझे नए दायित्व के लिए पसंद किया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते संघीय ढांचे का महात्म्य क्या होता है मैं भली भांति अनुभव करता हूं। दिल्ली में अनुकूल सरकार थी वाजपेयी जी की, तब संघीय ढांचे के हिस्से के नाते, एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते किया हुआ काम और विपरीत दिल्ली के माहौल के बीच किया हुआ काम, दोनों को मैंने अनुभव किया है। और खुद अनुभवी होने के कारण मैं हर राज्य की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, हर मुख्यमंत्री की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, संघीय ढांचे के महात्म्य को समझ सकता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघीय ढांचे को सशक्त बनाने में, संघीय ढांचे को एम्पावर करने में रुचि रखती है और हम उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज एटीट्यूड ऐसा है, एक बिग ब्रदर वाली एटीट्यूड है। हम दिल्ली वाले हैं, हम राज्यों को कुछ देते हैं, ये शोभा नहीं देता। हम स्थिति को बदलने का वादा करते हैं। कोई छोटा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर बराबर की शक्ति से ये भारत माता को आगे ले जा रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। आज माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, ये टीम देश को आगे बढ़ाएगी। मेरी सोच भिन्न है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। इतना ही नहीं, केंद्र का मंत्री परिषद और राज्यों का मंत्री परिषद ये सब मिलकर के एक बृहद टीम बने और केंद्र की ब्यूरोक्रेसी, राज्य की ब्यूरोक्रेसी ये सब मिलाकर के एक विशाल टीम के रूप में काम करें। अगर ये माहौल हम बनाएंगे तो आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हम अपने देश को इन शक्तियों के भरोसे, शक्तियों को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भाइयों बहनों, देश के लिए सुशासन एक बहुत अनिवार्य है। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं, गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा, और इसलिए सुशासन चाहिए। भाइयों बहनों, हम गुड गवर्नेंस को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तब इन दोनों बहुत सी बातें हम सुनते हैं भैया, हम तय करें भाइयों, हम एक कई दिनों से कुछ बातें सुन रहे हैं। हमें तय करना है कि अब हमें एक घिसी पीटी टेप रिकॉर्डर की आवाज पे भरोसा करना है
कि ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा करना है। टैप रिकॉर्ड की जीसीपी ने आवाज बहुत सुन चुके हैं, देश ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय करें कि देश को किसके भरोसे और किसके हाथ में सलामती के साथ देना है, उस पर निर्णय करें। भाइयों बहनों, सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक्ट 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 बहुत सुन चुके हैं, देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए डोल, चुनाव जीतने के लिए डोल, डोल डोल डोल, फिर भी सरकार डोल रही है। भाइयों बहनों, डोल अपनी जगह पर है, लेकिन नक्कर विकास के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए। और इसलिए गुड गवर्नेंस डोल से भी आगे बढ़ करके डेवलपमेंट और डिलीवरी के उन मूल मंत्र को हमें स्वीकार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कमेटी न बनाई हो। हर समस्या के लिए कमेटी, हर समस्या के लिए कमेटी। मेरे देशवासियों, देश कमेटियों के बोझ से दब रहा है। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए, और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। भाइयों बहनों, इतना बड़ा विशाल देश हमारा, जब मैं भारत माता की ओर नजर देखता हूं, उस पुरातन जीवन की ओर देखता हूं, तो मुझे इस भारत की पूरी, हम जब सुनते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, वो इंद्रधनुष के सात रंग, और उन सात रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। पहला रंग है इंद्रधनुष का, पहला रंग है भारत की सांस्कृतिक की महान विरासत, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का, हमारी कृषि, हमारे पशुओं, हमारा गांव। महात्मा गांधी भारत को गांवों का देश कहते थे। यह हमारे इंद्रधनुष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चमकीला अंग है। अगर हम इसे और चमकदार नहीं बनाते, कृषि हो, पशुपालन हो, हमारा गांव हो, गरीब हो। और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम जिस बात के लिए गर्व कर सकते हैं, वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, हमारी मातृशक्ति, त्याग और तपस्या की मूर्ति। आज हमने वहां कहां लाकर के छोड़ा है? इंद्रधनुष के रंग को आकर्षक इंद्रधनुष को बनाना है तो हमारी माताओं का
एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा इस पर हमारा बल होना चाहिए, आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। यह हमारी विरासत है, हमारी अमानत है। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसका पांचवा रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, 65% जनसंख्या 65 से कम आयु की है, 35 से कम आयु की है। भाइयों बहनों, जिस देश के पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, इतनी हमारे पास नौजवानों की शक्ति हो, हम दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। पूरे विश्व को वर्कफोर्स के लिए आने वाले दिनों में गंभीर संकट आने वाला है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था, उसकी हमें चिंता करनी। भाइयों बहनों, हमारे देश का युवा कुछ बातें बड़ी चिंता फैला रही है। आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी रंग के प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का यह रंग कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है। जब ये खबरें आती हैं ड्रग्स, नारकोटिक्स कुछ इलाकों में हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। भाइयों बहनों, राजनीति से परे उठ करके हम सबका दायित्व बनता है, सारे देशवासियों का दायित्व बनता है कि अपने इन नौजवानों को ड्रग्स, नारकोटिक्स में कदम रखने से पहले बचा ले, जीरो टॉलरेंस का माहौल बनाए। हमारी युवा पीढ़ी को रक्षा करनी पड़ेगी, हमें कानूनी व्यवस्था से हो, विदेशों से स्मगलिंग अगर होता है तो उसको रोकने की बात हो, हमने एक दायित्व को निभाना होगा और हमारे युवा धन की रक्षा करके उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार करना होगा। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष का सातवां रंग है, वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, डेमोक्रेटिक डिविडेंड हो, वो देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसलिए भाइयों, हमारा लोकतंत्र ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर बताने की ताकत ये हमारा लोकतंत्र देश होना है। भाइयों बहनों, समय रहते हमने हमारे इस लोकतंत्र के रंग को और अधिक कैसे ताकतवर बनाना उस पर हमने सोचना होगा। भाइयों बहनों, हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में
गुण तंत्र की भी अनुभूति करें। वह एहसास कैसे भर दिया जाए अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, लोक तांत्रिक परंपराओं के प्रति गौरव करके हम उसको कैसे करें। और इस इंद्रधनुष का सातवां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है ज्ञान। 12-20 मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है। हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है, कहती है बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना, हर मां के मुंह से ही निकलता है। ये ज्ञान हमारे इस इंद्रधनुष के सात रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं उसकी ओर हमने जाना है। भाइयों बहनों, इन सातों रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है, हम भी मानते हैं, बिना सोच के न कोई दल हो सकता है न कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन कठिनाई यह है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है, लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि कौरी कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इस सोच को समझने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। और देशवासी आज मुझे दूरदर्शन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं मेरे भारत के भाइयों बहनों कि आप मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है, यह कहा था उन्होंने, हनी भी है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है। उनकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। उनकी सोच है जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द मेरा नहीं है। वे कहते हैं हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात को सुने उसे याद करें तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। ये दो सोच में फर्क है। उनकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं, ये हमारी सोच है। उनकी सोच है समाज तोड़ो राज करो, हमारी सोच है समाज को जोड़ो विकास करो, ये फर्क है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। उनकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। उनकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं।
अभी अभी उन्होंने कहा कि चुनाव में उसको टिकट दी जाएगी जिनके दिल में कांग्रेस है, उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है, हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ये सोच में फर्क है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब 2000 चुनाव का वक्त हमारे सामने है, हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं, तब मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल आपने शासकों को चुना है, 60 साल आपने शासक पसंद किए हैं, 60 साल आपने शासकों को बागडोर दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं सेवक की जरूरत है, और लोकतंत्र की मांग यही है कि देश की सेवा करने का हर किसी को अवसर मिले। भाइयों बहनों, आज जब हम आने वाले भविष्य का एक खाका खींच रहे हैं, तब देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? हमारे पास कोई रियल टाइम डाटा ही नहीं होता है। खेती की सीजन आई, कितनी फसल कहां कितनी बोई जा रही है, कोई रियल टाइम डाटा नहीं। कौन सा अन्न कौन सी चीज कितनी पैदावार हुई, रियल टाइम डाटा नहीं है कि इस वर्ष इतनी फसल पैदावार हुई है, इतनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का भी रियल टाइम डाटा होना चाहिए, और हर भूभाग का होना चाहिए, और हम उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर देश की इतनी आवश्यकता है, इतनी फसल है, तो समय रहते क्या इंपोर्ट करना क्या एक्सपोर्ट करना, उसका फैसला कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक तरफ देश में जरूरत हो उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, देश भूखा मरता है, और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है, पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लोइटेशन न हो, और इसलिए एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में, और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के द्वारा सरकार के द्वारा इंटरवेंट करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए, इसकी चिंता किया जाए। इसी प्रकार से समय की मांग है, देश में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केटर्स के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाए, और समय सीमा के अंदर ये ब्लैक मार्केटर्स को सजा दे करके हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाए। अगर हम इस प्रकार के एक के बाद एक कदम उठाएं, भाइयों बहनों, अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, बेरोजगारी, जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो लेकिन रोजगार के लिए तड़पता हो, इसके लिए भाइयों बहनों हमें सेंटर फॉर एक्सलेंस,
उसको बल देने की आवश्यकता है। हमने स्किल डेवलपमेंट पर बल देने की आवश्यकता है, और स्किल डेवलपमेंट भी नीड बेस्ड कैसे किया जाए। अगर यहां केमिकल की फैक्ट्री लग रही है तो उस केमिकल की फैक्ट्री में काम आने वाला स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। यहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगने से पहले उसके अनुकूल स्किल डेवलपमेंट वाले नौजवान कैसे तैयार हो। अगर इसको हम ढंग से करें भाइयों बहनों, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई अच्छी तरह लड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है। आज अगर देश में पूछा जाए कि बताइए 2020 में विज्ञान के कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी, देश नहीं बता पा रहा है। 2020 में कितनी नर्सिस की जरूरत पड़ेगी, देश बता नहीं पा रहा है। अगर हम ह्यूमन पावर स्ट्रेंथ का अभी से अगर हम प्लानिंग करें और उसको कब और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें, तो जैसे ही वो व्यक्ति तैयार होगा उसको जरूरत के अनुसार से रोजगार मिल जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का युवा धन, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, उसके हाथ में हुनर देना चाहिए, कार्य का अवसर देना चाहिए भारत के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। इससे बड़ी कोई पूंजी हमारे पास हो सकती नहीं है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय अडवाणी जी ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कमिटमेंट है कि अडवाणी जी ने जो सपना संजोया है इसे हम पूरा करके रखेंगे। जो भी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कानूनी व्यवस्था की जाएगी, उसके विषय के ज्ञाताओं का टास्क फोर्स बनाना होगा तो टास्क फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया के देशों में हिंदुस्तान से लूटा गया जो सामान पैसे रुपये रखे गए हैं, एक एक पाई लाई जाएगी और गरीब की भलाई के लिए काम लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, आज ग्लोबलाइजेशन का ये जमाना है और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम अकेले एक देश के नाते काम नहीं कर सकते। हमने विश्व की स्पर्धा में अपने आप को टिकाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। अगर विश्व के सामने हमने टिकाना है, बढ़ाना है, तो जैसे गुड गवर्नेंस का महत्व है वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स का महत्व है और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व है। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा, रोड हो, रास्ते हो, रेल हो। लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो, अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो, पूरा देश ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्यों ना किया जाए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल समुद्री तट है, वहां पर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की विधा खड़ी करके विश्व व्यापार में हम अपनी जगह क्यों न बना सके। भाइयों बहनों, हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है, दुर्भाग्य है मित्रों देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल आप देखिए, जापान में जो बदलाव आया क्यों आया, जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, जहां पर रेलवे को जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए मैन पावर मिले, रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जो रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, सोच का सवाल है, विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। भाइयों बहनों, वाजपेयी जी ने
स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है, 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे, डायमंड जुबली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन जुबली डायमंड जुबली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। भाइयों बहनों, आज विश्व के अंदर मैंने कहा, हम अलग थलग हिंदुस्तान सोच नहीं सकते। हमारे साथ हमारे देश में गुनहगार कौन है कौन नहीं, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समाज के नाते, एक सभ्य समाज के नाते, एक सुशिक्षित संस्कारित समाज के नाते, आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। यह हम सबका दायित्व बनता है, नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, यह हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए। और उस माहौल को हमें क्रिएट करना होगा, कानून के साथ साथ समाज जीवन की इस व्यवस्था को भी हमने खड़ा करने के लिए प्रयास करना होगा। हमने एक मिशन मोड पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन मोड पे आगे बढ़ना है। मां के गर्भ में 21वीं सदी में बेटी को मार दिया जाए, भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता। लाखों बेटियां मां के गर्भ में मारी जा रही है, ये हम सबका दायित्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मिशन को लेकर हम कैसे आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमने अब नारी की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदलना होगा। हमारी नारी जिसको हमने होम मेकर के रूप में हमने देखा है, अब समय की मांग है, हम हमारी देश की नारी को नेशन बिल्डर के रूप में देखें। अगर हम उसको नेशन बिल्डर के रूप में देखेंगे, हमारी सोच बदलेगी और हम विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। भाइयों बहनों, देखिए मैं समय जरा ज्यादा ले रहा हूं, भूख लगी होगी ना। भाइयों बहनों, हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया, और हमारी सारी मुसीबतों का कारण है गलत थिंकिंग रहा है। भाइयों बहनों, अर्बनाइजेशन को एक अवसर मानना चाहिए, विकास के अंदर उसको एक महात्मा के स्वीकार करना चाहिए, नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे
दो शहर जो पास पास है उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा, आप अंदाज कर सकते हैं। देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। भाइयों बहनों, क्या आजादी के इतने साल के बाद गरीब के पास घर नहीं होना चाहिए? क्या छत के बिना जिंदगी गुजारने के लिए उसको मजबूर होना पड़े? क्यों ना हम करोड़ों करोड़ों मकान बनाने का सपना लेकर के और राज्यों को उसको जोड़ करके मिशन मोड पे हर राज्य उसमें जुड़ जाए, केंद्र और राज्य मिलकर के गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी घर हो उसकी दिशा में आगे बढ़े। भाइयों बहनों, जल, जमीन, जंगल, कृषि, पशु, इसके बिना देश नहीं चलेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें, नीतियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। भारत के लिए आवश्यक फसल के लिए, वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए एक मिशन मोड पर अगर काम करें। भाइयों बहनों, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाले संकल्प जो अटल जी ने दिया है, उस अटल जी को सपने को साकार करने के लिए नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, गुजरात में अमूल डेयरी इतने सालों से चल रही है, क्या हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में श्वेत क्रांति नहीं हो सकती है? क्या वहां का हमारा किसान दूध उत्पादन करके उस राज्य की दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इतना ताकतवर नहीं बन सकता है? भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में आगे करके देखना होगा, ताकि हमारे किसान को कभी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर हमने कृषि विकास करना है तो एक वन थर्ड एग्रीकल्चर, वन थर्ड एनिमल हस्बेंड्री एंड वन थर्ड ट्री प्लांटेशन। देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहां जमीन को नापा नहीं गया है। आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्काल किसानों की जमीन कितनी है, साइज क्या है, उसका पूरा लेखा जोखा उसको देना चाहिए। तो आज वो अपनी बाढ़ करने के लिए जमीन वेस्ट करता है वो नहीं करेगा, और वो जो किनारे पर अगर पेड़ लगाएगा, आज हमें टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, हम टिम्बर इंपोर्ट करने से बच जाएंगे। और इसलिए हमने भाइयों बहनों, टिम्बर इंपोर्ट करने से बचना है तो, और हमारे किसान को ताकतवर बनाना है तो, हमने इस बात को बल देते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। और मुझे विश्वास है मित्रों कि हम अगर उन बातों को करते हैं तो हम परिस्थिति को पलट सकते हैं। उसी प्रकार से बिजली, कैसा देश है, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है, कोयले की खदानें बंद पड़ी है। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? अगर राज्य इनिशिएटिव लें, केंद्र मदद करें, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, शिक्षा, अगर 21वीं सदी में हमें दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा रखना है तो शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी प्राइमरी एजुकेशन को हमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में आईआईएम न हो, क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में आईआईटी न हो, हाँ क्यों न हिंदुस्तान में हर राज्य में एम्स न हो। हमारा सपना है हर राज्य में आईआईएम हो, आईआईटी हो, एम्स हो, हमारी शिक्षा की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में
हमारा प्रयास हो और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई है, 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, क्या गरीबी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? क्या गरीबी सिर्फ नारों का विषय बन जाएगा? भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, हमारी आर्थिक योजना के द्वारा, जनभागीदारी के द्वारा, स्मॉल स्केल कॉटेज, इन सारी प्रवृत्तियों को जोड़ करके हम गरीबी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और गरीबी की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गरीबों का सशक्तिकरण होना चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, उसको भी गरीबी से बाहर आना है, हमने उसको अवसर देना चाहिए। और जहां जहां हमने अवसर दिया है, हमें परिणाम मिले हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, इसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण बात है, मैंने कहा कि दुनिया के सामने जब ताकत से खड़ा रहना है, दुनिया के सामने जब ताकत से खड़े रहना है, तो भाइयों बहनों, हमारे भारत का ब्रांडिंग भी होना चाहिए। हम जानते हैं, बहुत साल पहले हम लोग कोई भी चीज खरीदते थे तो ये लिखा होगा मेड इन जापान, तो हम तुरंत उस चीज को हाथ लगा देते थे। भाइयों बहनों, क्या यह समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं, तब मैं 5T की बात करता हूं, टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5 T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। भाइयों बहनों, हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन परंपराओं को हम आगे लेकर के चलें। भाइयों बहनों, इन दिनों एक नई शब्दावली हमारे सामने आई है, मैं आज उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं माय आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों के आइडिया ऑफ इंडिया हो सकता है, ये किसी की जागीर नहीं हो सकती, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, यहां पर बैठे लोगों का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। और इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता है। मैं आज माय इंडिया ऑफ आइडिया की बात आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, माय आइडिया ऑफ इंडिया
अहिंसा परमो धर्म, माय आइडिया ऑफ इंडिया, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव, माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति, माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, माय आइडिया ऑफ इंडिया न तम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम, माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है, माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जे पीढ़ पर आई जाने रे, माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परगन जाले हाथ रे परगन नव जाले हाथ रे, माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी, माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा, माय आइडिया ऑफ इंडिया नरकर्णी करे तो नारायण हो जाए। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तब, और जब हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं तब, आप सब मेरे साथ नारा बुलवाएंगे, दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, मैं बोलूं उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, पूरे हाथ ऊपर करके बोलेंगे, वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया का हमारा जो सपना है, देशवासी भाइयों बहनों, हम यहां से जब विदाई लेंगे, आदरणीय अडवाणी जी के आशीर्वाद लेकर के आज हम अपने इलाके में जा रहे हैं, हम विजय का व्रत लेकर के जाएं, हम तो विजय व्रती बने, हमारे हर साथी को विजय व्रती बनाएं। और भाइयों बहनों, ये बात याद रखें कि चुनाव का विजय का गर्भाधान, चुनाव के विजय का गर्भाधान पोलिंग बूथ में होता है, पोलिंग बूथ विजय की जननी होती है, और जो जननी होती है उसकी हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है, इसलिए पोलिंग बूथ की हिफाजत हो, पोलिंग बूथ की चिंता हो, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प हो, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े और भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने,
इस सपने को साकार करने के लिए देशवासियों की शक्ति को हम साथ मिलकर के वोट में परिवर्तित करें, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये काम दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब एक चाय वाला चुनाव लड़ता है, आप देश को कहेंगे कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं है, और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को दम देने के लिए उमंग से आगे आएगा। और हम तय करें मित्रों, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया, 2012 के गुजरात के चुनाव में गुजरात के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया इकट्ठा करके चुनाव लड़ा 2012 दिसंबर में। तीन तीन बार सरकार, और एक प्रकार से गुजरात में तो 7 बार से सरकार है, लेकिन मुझे पिछले 4 बार से अवसर मिला है। कार्यकर्ताओं ने लोगों से पैसे लेकर के धन संग्रह करके चुनाव लड़ा। हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसको निभाना है। और जब एक गरीब मां का बेटा एक चाय वाला मैदान में हो तो देश हमारे भंडार भर देगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।